हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो REC PDCL की तरफ से निकल कर आ रही है, विदाउट गेट है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, जिसमें आप लोगों को सैलरी 85,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो एक PSU है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें आप लोग को इनिशियली 2 ईयर्स के लिए हायर किया जाएगा और उस 2 साल में आप लोग का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोग का मैक्सिमम जॉब का ड्यूरेशन अप टू 4 ईयर्स तक रहेगी। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है डिप्टी एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, जिसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स तक रहा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में से 4 साल का BE किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ न्यूम 6 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 46 है, जिसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स तक रहा गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में से 4 साल का BE किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए गेट स्कोर की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड नहीं हो तब भी आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। टोटल कुल मिला के 58 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे डिप्टी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप लोग को सैलरी 85,000 पर मंथ मिल जाएगी और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप लोग को सैलरी 62,000 पर मंथ मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। इसमें आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन दोनों में से कोई भी एक तरीके से हो सकता है। और इसमें हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपके BE में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग के पास सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी भी टीचिंग एक्सपीरियंस या तो इंटर्नशिप या तो अगर आप लोग किसी भी ट्रेनिंग वगैरह की हो तो उसको एज एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें आप लोगों का जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। अगर आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पे हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग से पहले फर्स्ट आप लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो स्कैन कॉपी है वो अपलोड करना होगा, जिसमें आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज 10 KB से लेकर 100 KB के अंदर होनी चाहिए और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का फॉर्मेट JPG फॉर्मेट पे होनी चाहिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी आप लोग को अपलोड नहीं करना है। अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लेके जाना है, जिसमें फर्स्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, उसके साथ आपका आधार कार्ड का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और PWD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। और उसके साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स से उसका ओरिजिनल और 1 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या तो PSU वगैरह में काम कर रहे हो
तो उस केस में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और वन सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपी और उसके साथ आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसका ओरिजिनल और वन सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपी, उसके साथ आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, लेटेस्ट पे स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल और वन सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और वन सेट सिल्वर स्टेट फोटोकॉपीज आप लोग को साथ में लेके इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग उसको प्रिंट आउट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख देना है, उसका हार्ड कॉपी आप लोग को कहीं पे सेंड नहीं करना है। उसके अलावा अगर आप लोग का कोई भी डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग इसी मेल आई डी पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग का डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 27 फरवरी 2023। एप्लीकेशन फी की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है हर एक कैटेगरी के लिए। तो फ्रेंड्स यही इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट और एक इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो, इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फर्स्ट रजिस्टर हेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपका टाइटल यहीं से चूज करना होगा, उसके बाद आपको आपका नेम फिल करना है। नेक्स्ट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कोई भी एक पासवर्ड चूज करने के बाद रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहीं पे फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना है और उसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से स्कॉर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए जो अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।